देश और दुनिया में हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी से शादी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार भारतीय समाज में अरेंज मैरिज को काफी महत्व दिया जाता है। हालांकि कुछ परिवार लव मैरिज को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अब समाज में अंतरजातीय विवाह को भी लोग मानने लगे हैं। सरकार भी अंतरजातीय शादी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बेगूसराय में अंतरजातीय और निःशक्त जन शादी को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लाभुकों को सावधि जमा प्रमाण पत्र वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन कर दोनों ही योजनाओं में कुल 21 लोगों को 1-1 लाख का अनुदान राशि प्रदान किया गया। इसका कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा रखा गया है और इस कार्यक्रम में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 3 लाभुकों को लाभ दिया गया और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2 कपल्स को उसके लिए लाभान्वित किया गया और ये दोनों ही योजनाओं में 1 लाख का ये FD उनको दिया गया है। 3 साल का उनका लॉकिंग पीरियड होता है। जो हम लोगों का अनुभव रहा है कि इसमें कई सारे कपल्स हैं जो अंतरजातीय विवाह करते हैं और लेकिन उनको इस योजना की जानकारी का अभाव के कारण लोग लाभ नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना का और प्रचार प्रसार कराया जाए और अभी इस साल इस वित्तीय वर्ष में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 13 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है और मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 8 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जोड़ों को लाभ दिया गया, वहीं निःशक्त जन प्रोत्साहन योजना के तहत विवाहित जोड़ों को भी लाभान्वित किया गया। DM ने बताया कि दोनों ही योजनाओं में 1-1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सरकार की योजना है पर अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है जिसके वजह से वो लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से यही अपील करूंगा कि जितने ऐसे कपल्स हैं जो सरकार की स्कीम चल रही है उसका लाभ उठाते रहेंगे और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि लोग डिस्करेज करते हैं, गांव के लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे जो कपल्स रहते हैं उनको डिस्करेज करने के बजाय प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहें और इस स्कीम का और प्रचार प्रसार भी लोग करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। पूरे ज़िले में सर ये सभी प्रखंड से? हाँ, ये अभी तो जो अभी वर्तमान में इस साल तो 13 इसमें और दूसरे वाले स्कीम में 8 का हुआ है। ये अलग अलग ब्लॉक्स के लोग हैं और हम लोग एक बार आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो हम लोग विचार कर रहे हैं इसका प्रचार प्रसार के लिए अलग से अभियान भी चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो सकें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, तो आपको बता दें कि इसके लिए शादी करने वाले दोनों लोगों में से एक दलित समुदाय के बाहर का होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति दलित समुदाय का होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर कराना होता है। इसके लिए आपको एक हलफनामा डालना होता है जिसके बाद आपको लाभ मिलता है। बेगूसराय से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।